हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सम इम्पॉर्टेंट मैट्रिसेस इन ईमेल मार्केटिंग। यानी कि हम लोग यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग से जुड़ी हुई कुछ एनालिटिक्स की बात करें। देखो, ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स अगर हम ना कहें, ये कह सकते हैं हम, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव अपना जो हम क्रिएट करते हैं, हमारा इस मार्केटिंग कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, वहां से देन हमें ऑडियंस बिल्ड करनी होती है, तो कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जहां से हम ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमें ईमेल लिखना पड़ता है, यानी कि जो कॉपी होती है एक्चुअली, ठीक है, जो ईमेल की टेम्पलेट होती है उसको डिजाइन करना पड़ता है, वहां पर कंटेंट लिखना पड़ता है। उसके बाद हम ईमेल फायर करते हैं, देखते हैं कि किस पर्टिकुलर ऑडियंस को किस तरीके से हमें ईमेल फायर करना है। ऐसा नहीं कि सारी ऑडियंस को हम एक ही टेम्पलेट फायर कर देते हैं या सारी ऑडियंस को हम एक ही तरीके का मैसेज दे देते हैं। अलग अलग ऑडियंस की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनके हिसाब से हम अलग अलग ऑडियंस को अलग 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 पॉइंट्स पे हिट करते हैं, अलग अलग तरीके से एक्चुअली उनको ईमेल्स भेजते हैं। तो ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है, ठीक है, और हर पॉइंट पे हमें कुछ ना कुछ एनालिसिस करनी होती है। तो अब एनालिसिस की बात आई तो मैंने बहुत से वीडियोस में पहले बताया कि जब कभी भी वर्ड आया एनालिसिस या एनालिटिक्स, आप समझ जाओ वहां पर बात होगी मैट्रिसेस की, वहां पर बात होगी नंबर्स की, वहां पर बात होगी क्वांटिटेटिव अप्रोच की, ठीक है, यानी कि क्वांटिफिकेशन की बात होगी, हमें नंबर्स से देखना है वहां पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप देखेंगे कुछ बेसिक मैट्रिसेस मैंने लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार इनका आपको आइडिया लग जाएगा तो कुछ और जो एडवांस मैट्रिसेस हैं जो आपका ईमेल मार्केटिंग प्रोवाइडर टूल्स हैं, ठीक है, उनमें भी आप जाएंगे तो वहां पर भी देखेंगे, वहां पर एनालिटिक्स में आपको अलग अलग मैट्रिसेस दिखाई देंगे। चलिए पहले कुछ कॉमन मैट्रिसेस देख लेते हैं हम लोग। एक तो ओपन रेट, जिसको जिसपे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब ओपन रेट का मतलब क्या होता है? ओपन रेट का मतलब हुआ कि आपने जो ईमेल्स फायर किए, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो ईमेल्स गए 100 लोगों को, ऐसा होगा, ठीक है, जैसे आपकी ऑडियंस जो सेट है, आपने 100 लोगों को ईमेल्स भेजे, ठीक है, 100 लोगों के इनबॉक्स में ईमेल्स गए। आप इस तरीके समझिए इसको कि 100 लोगों के इनबॉक्स में ईमेल गए। ऐसा नहीं कि जितने लोगों को आप भेजते हो ईमेल उन सभी को डिलीवर होता है, इस पर हम लोग आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपने जितने लोगों को भी ईमेल्स भेजे उन सभी को डिलीवर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये केस मान के चल रहे हैं कि 100 लोगों को डिलीवर हुआ, ठीक है, यानी 100 लोगों के इनबॉक्स में पहुंचा वो ईमेल। अब 100 लोगों के इनबॉक्स में पहुंचा लेकिन उसके ऊपर क्लिक किया, यानी कि उसको ओपन किया, वो लोग थे केवल 50 लोग। तो यहाँ पर जो हमारा ओपन रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। उसी तरीके से अगर वो ओपन करने वाले लोग 60 हुए तो ये हो जाएगा हमारा 60%। तो हमें क्या टारगेट करना है? हमें ये टारगेट करना है कि हमारी जो ईमेल्स है उनका ओपन रेट हाई हो। 100% तो बहुत कम होगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज है कि 100% आपको ओपन रेट मिले, बट हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपका ओपन रेट हो, ठीक है, ज्यादा आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपका ओपन रेट आपको मिल सके। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे ईमेल की हेडलाइंस वगैरह हो गई, ठीक है, ईमेल किस टाइम आप भेज रहे हो, किस टाइप की ऑडियंस को किस टाइम आप ईमेल भेज रहे हो, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं डिसाइड करते हैं कि आपका ओपन रेट ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है, यानी ओपन रेट को अफेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देन ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड इज क्लिक रेट इनसाइड ईमेल। अब देखो, जब आप कोई ईमेल भेजते हो तो जनरली उस ईमेल के अंदर भी आपके कुछ लिंक्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ईमेल्स में आपने प्रोडक्ट भेजा हुआ है तो उसके ऊपर क्लिक हो रहा है कि नहीं, या उस ईमेल के थ्रू आप किसी दूसरे लैंडिंग पेज के ऊपर यूजर को ले जाना चाहते हो, ठीक है, किसी और पेज के ऊपर यूजर को ले जाना चाह रहे हो, तो एक्चुअली वहां पर क्लिक हो रहा है कि नहीं? क्योंकि एक बार यूजर को ईमेल मिला और उसके बाद वो उसके ऊपर क्लिक करता है तो यहाँ पर तो ओपन रेट की बात हो गई है। वो उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद वहां पर वो उससे इंटरेक्ट करता है कि नहीं, आप इसको समझ सकते हो। क्लिक रेट इनसाइड ईमेल का मतलब एक्चुअली ईमेल के अंदर जो कंटेंट है उससे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। तो कितने लोगों ने खोला और उनमें से कितने लोगों ने उससे इंटरेक्ट किया, इसका जो रेशियो आप निकालोगे दैट इज एक्चुअली क्लिक रेट, ठीक है। उसके बाद बाउंस रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाउंस रेट को बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज को समझते हैं ओपन रेट, क्लिक रेट, इनसाइड ईमेल, इन सारी चीजों, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्टिव से भी रिलेटेड होते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि क्लिक रेट इनसाइड ईमेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट लिंक की, तो अब प्रोडक्ट लिंक डायरेक्टली जो है हमारे गोल से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर अगर क्लिक होगा हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जाएगा फिर वहां से कोई परचेज होती है कि नहीं होती है, तो ये डायरेक्टली हमारे गोल से रिलेटेड, यानी हमारा गोल क्या होता है, कन्वर्जन कराना, अगर प्रोडक्ट है तो सेल कराना, तो ये हमारे डायरेक्टली गोल से रिलेटेड होता है। इसलिए इन दो मैट्रिसेस को तो लोग अच्छी तरीके से मेजर करते हैं लेकिन बाउंस रेट को लोग नहीं मेजर करते हैं। अब बाउंस रेट जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सॉफ्ट बाउंस और एक होता है हार्ड बाउंस। देखो बाउंस का मतलब क्या होता है, बाउंस का मतलब होता है आपने ईमेल्स तो भेजे लेकिन वो ईमेल्स डिलीवर नहीं हुए, वो ईमेल्स यूजर के इनबॉक्स में नहीं पहुंचे, दिस इज बाउंस रेट, ठीक है। अब दो रीजन हो सकते हैं। देखो एक रीजन तो ये हो सकता है कि कोई सर्वर में प्रॉब्लम हो,
एग्री करते हो आप इस चीज से? कोई सर्वर में प्रॉब्लम हो, यानी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कुछ टाइम ऐसा हो, सर्वर बिजी हो, जिसकी वजह से आपके ईमेल्स उनके इनबॉक्स तक नहीं पहुंचे। एक रीजन ये हो सकता है कि आपने जो जो भी रेसिपेंट्स हैं जिनको भी आप ईमेल भेजना चाह रहे हो, उनका ईमेल एड्रेस ही आपने गलत लिख दिया, यानी कि ईमेल एड्रेस आपने गलत लिख दिया। तो यहां पर तो आप फिर से रीसेंड कर सकते हो, यहां पर आप फिर से रीसेंड नहीं कर सकते। अब इस बात को बहुत ध्यान समझना कि जो ISPs होते हैं वो इस चीज को मेजर करते हैं, इस चीज को वो ट्रैक करते रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा जो आपका बाउंस रेट है वो हार्ड बाउंसेस हैं, तो डेफिनेटली जो आपकी रेपुटेशन है वो डाउन होगी। बात क्लियर हो रही है? यानी कि सॉफ्ट बाउंसेस तो एक बार चल जाएंगे, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है कोई सर्वर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है उस वक्त सर्वर बिजी हो जिस वक्त आप भेज रहे हो, ठीक है, इसलिए नहीं डिलीवर हुए। लेकिन यहाँ ईमेल्स नहीं गलत है, यहाँ पर ईमेल्स बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ईमेल्स ही गलत है, ठीक है, यहाँ पर ईमेल्स ही गलत है। तो बाद में भी आप भेजोगे तो नहीं वहां डिलीवर होंगे। तो हमें यहां से क्या ध्यान रखना है कि जो हार्ड बाउंसेज हैं उनको हमें ट्रैक करना है, किन ईमेल एड्रेसेस पर हार्ड बाउंसेज हो रहे हैं, उन ईमेल एड्रेसेस को अपनी जो हमारी लिस्ट है, ऑडियंस की लिस्ट है, जो हमारी ईमेल लिस्ट है, उससे हमें उनको बाहर निकाल लेना है, ठीक है, ताकि जो ISPs को इंडिकेशन जाता है वो ना जाए और हमारी रेपुटेशन बनी रहे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। देन अनसब्सक्राइब रेट, जब कोई सब्सक्राइब करता है, सपोज करते हैं आपके ईमेल लिस्ट के लिए कोई सब्सक्राइब करता हो, फिर आप उसको जो है मेल्स भेजना शुरू करते हो, अपना मैसेज भेजना शुरू करते हो, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो उनमें से अनसब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हो कि कौन से लोग हैं जो सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका क्या परसेंटेज है। 10 में से अगर 5 लोग कर रहे हैं, यानी 50% जो है वो हमारा अनसब्सक्राइब रेट है। तो उसको भी आपको ट्रैक करना है और वहां से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। अनसब्सक्राइब होता है ना, तो उसमें रीजंस भी लिखे होते हैं ना, क्यों अनसब्सक्राइब कर रहा है, तो उससे फिर फर्दर जो है आप अपना जो आपकी ईमेल कॉपी है, जो भी रीजंस है अनसब्सक्राइब के, जो मैक्सिमम रीजंस है अनसब्सक्राइब के, उनके ऊपर काम कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को एक्चुअली आप रिजॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप चेक कर सकते हैं इस चीज को कि अब जो आपका अनसब्सक्राइब रेट है वो कहीं बढ़ा तो नहीं है, ठीक है। तो यही तो बेसिकली हमारी एनालिटिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चार जो है मैट्रिसेस लिखी है, चार एनालिटिक्स के की पिलर्स हैं ये, जो ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को दबा दें, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस और जो वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में हैं उन सभी के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।